नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन ग्रुप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट थर्ड की क्लास लेते हैं। उसके अंदर अपन ने जो शुरू में पढ़ा था उसमें सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद में अपना जो भी एग्जांपल्स थे 1.1 के अंदर 8-10 एग्जाम्पल थे वो मैंने करवाए हैं, और आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए थे, HW दिया गया था। आई होप आपने उसको किया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप डालना। दोस्तों आज हम थोड़ा आगे चलते हैं और जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सिंपल प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ थ्योरम्स करेंगे। जैसे सिंपल प्रॉपर्टी बोले तो ग्रुप होता है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है। ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। ए इन्वर्स का इन्वर्स होता है वो ए होता है। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, कुछ थ्योरम्स वगैरह पढ़ेंगे, उनकी सहायता से अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन लिख सकते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप। प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप, तो दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप में अपना एक थ्योरम है, उसके माध्यम से अपन समझते हैं। थ्योरम नंबर 1 कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो अपन ने को क्या क्या सिद्ध करना है। देखो दोस्तों कि ग्रुप में तत्समक अवयव, ग्रुप में तत्समक जो अवयव होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अद्वितीय, यूनिक होता है। एक तो ये सिद्ध करना है। यूनिक का मतलब है कि कोई भी अपने को ग्रुप दिया है उसमें केवल एक ही एलिमेंट ऐसा होता है जो तत्समक अवयव होता है। दूसरा, ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, वो भी अद्वितीय होता है। जैसे एक कोई एलिमेंट है उसका प्रतिलोम अद्वितीय होता है, कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट है उसके दो प्रतिलोम नहीं हो सकते। प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम भी यूनिक होता है और जो ग्रुप होता है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। तीसरा, अपने को ये सिद्ध करना है कि कोई भी एलिमेंट है उसके इनवर्स का इनवर्स, कोई भी एलिमेंट है जी का, अगर उसके इनवर्स का इनवर्स निकालते हैं तो वो वापस ए के बराबर होता है। चौथी चीज अपने को प्रूव करनी है, जैसे ए और बी, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी के एलिमेंट हैं, तो अपन ये बात कर सकते हैं कि ए स्टार बी, अगर ए स्टार बी निकाल के अगर इसका इनवर्स निकालूंगा तो वो होता है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। इसको व्युत्क्रमण लॉ बोलते हैं, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ हिंदी में बोला जाता है, व्युत्क्रमण नियम। तो दोस्तों ये अपनी पहली थ्योरम है, अपने को जी स्टार एक ग्रुप दिया है और अपने को ये सिद्ध करना है इसमें तत्समक अवयव होता है वो यूनिक होता है, इसमें प्रत्येक एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो भी यूनिक होता है, अगर कोई भी एलिमेंट जी का है, फॉर ऑल की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी एलिमेंट जी का है तो उसका इनवर्स का इनवर्स होता है वो ए के बराबर होता है, और ये रिवर्सल लॉ इनको फॉलो करता है। तो आई होप आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी। अपन इसके प्रूफ पार्ट पे चलते हैं। प्रूफ पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो
सबसे पहले तो अपने को जो दिया गया है वो लिख देते हैं। दिया गया है कि जी स्टार एक ग्रुप है। जी स्टार एक क्या है, अपने को ये दिया गया है कि जी स्टार एक ग्रुप है। अब तत्समक अवयव को यूनिक बताना है तो मैं क्या करता हूँ कि कोई भी दो तत्समक अवयव लेके चलता हूँ, फिर क्या करूँगा, उन दोनों को बराबर सिद्ध कर दूंगा तो अपना जो तत्समक अवयव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। तो माना कि ग्रुप जी में E1 व E2 दो तत्समक अवयव है। E1 व E2 दो तत्समक अवयव। मैंने E1 और E2 दो तत्समक अवयव है, दो तत्समक अवयव मान लिया तो अपने को सिद्ध क्या करना है, E1 बराबर E2। अगर E1 बराबर E2 सिद्ध कर देंगे तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। अब देखो दोस्तों आइडेंटिटी की परिभाषा से, अब देखो यहाँ से एक कंडीशन आएगी। अब पहला अपन प्रूव कर रहे हैं तो यही लिख देते हैं। यदि अब इसमें एक बार तो E1 को तत्समक अवयव मान लेंगे और E2 को एलिमेंट मान लेंगे ग्रुप का, तत्समक अवयव भी एलिमेंट होता है, लेकिन अपन क्या करेंगे, जैसे E1 को अपन आइडेंटिटी मान रहे हैं तो E2 को एलिमेंट मान लेंगे, एक बार E1 को एलिमेंट मान रहे हैं तो E2 को तत्समक अवयव मान लेंगे। कैसे, यदि E1 बिलोंग्स टू जी का तत्समक अवयव, E1 बिलोंग्स टू जी का तत्समक अवयव तथा E2 बिलोंग्स टू जी का कोई एलिमेंट है, तो भाई E1 को तो तत्समक अवयव और E2 को क्या मान लिया, कोई एलिमेंट मान लिया। अब तत्समक की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, जैसे मान लो A कोई एलिमेंट है, तो A एलिमेंट है, मैंने E1 तत्समक अवयव माना तो बताओ क्या आएगा, A आएगा। अरे भाई जो तत्समक होता है वो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होता है तो वापस क्या बनाता है, एलिमेंट ही बनाता है, तत्समक का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब भी अपन ने E1 को तत्समक माना है और E2 को एलिमेंट माना है, तो E2 को तो एलिमेंट माना है और E1 को तत्समक माना है, E2 को एलिमेंट माना है, E1 को तत्समक माना है, तो बताओ क्या आना चाहिए, एलिमेंट आना चाहिए, तो E2 आ गया। और इसी चीज़ को E1 स्टार E2 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इक्वेशन वन, क्योंकि यहाँ पे जो E1 है उसको आइडेंटिटी माना है तो, और ये एलिमेंट, तो एलिमेंट आइडेंटिटी क्या आना चाहिए, एलिमेंट। ओके इक्वेशन नंबर वन। अब देखो इसी प्रकार यदि अब की बार क्या करेंगे, E2 को आइडेंटिटी मान लेंगे और E1 को एलिमेंट। इसी प्रकार यदि E2 बिलोंग्स टू G का आइडेंटिटी एलिमेंट है तथा E1 बिलोंग्स टू G का कोई अवयव है तो अब की बार E1 को अवयव माना है और तत्समक किसको माना है, E2 को, तो बताओ आना क्या चाहिए, E1 आना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट किसको माना है, E1 को, E2 को तत्समक, और इस चीज़ को E2 स्टार E1 भी लिखा जा सकता है, समीकरण दो। तो एक बार तो E1 को तत्समक, E2 को एलिमेंट मान लिया, एक बार E1 को एलिमेंट और E2 को तत्समक मान लिया, तो ये दोनों आ गए। तो बाई इक्वेशन वन एंड टू, बाई इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन एक और दो से देखो दोस्तों, यहाँ से देखो ये है E2 स्टार E1, उसका मान किसके बराबर है, E2 के बराबर, और ये क्या है, E1 स्टार E2, और E1 स्टार E2 यहाँ से किसके बराबर आ गया, E1 के बराबर आ। इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करने से अपना ये इक्वेशन बना और मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ E2 बराबर E1।
तो अपन ने दो तत्समक अवयव लेके चला था और दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ किसी भी ग्रुप के अंदर जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। अर्थात किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। अर्थात किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। तो दोस्तों आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी अपने ऐसा चलता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, उसमें एक चैप्टर है, उसके अंदर ये थ्योरम है सेम टू सेम। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डालना, हम नेक्स्ट करते हैं इसका। एक बार देखो आप इसको। ओके दोस्तों, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब सेकंड का मैं प्रूव करता हूँ। लिख रखा है कि ग्रुप में प्रत्येक अवयव क्या है, प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम होता है वो यूनिक होता है। ईच एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो दोस्तों मैं कोई भी एक एलिमेंट लेके चलूँगा अपनी तरफ से, कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलूँगा, और उस एलिमेंट के मैं दो प्रतिलोम मान लूँगा। कितने प्रतिलोम मान लूँगा, दो प्रतिलोम मान लूँगा। तो बताओ फिर प्रतिलोम को यूनिक दिखाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उन दोनों आपने जिस एलिमेंट के दोनों प्रतिलोम माने हैं उन दोनों प्रतिलोमों को बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। अगर आप दोनों प्रतिलोमों को बराबर सिद्ध कर देते हो तो अपन बता देंगे कि ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का जो प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि माना कि ए बिलोंग्स टू जी का कोई स्विच अवयव है, अपनी तरफ से कोई आर्बिट्रेरी अवयव है, कोई स्विच अवयव है। अब मान लेता हूँ कि मैं इसके दो प्रतिलोम है, तथा यदि संभव हो तो माना, तथा यदि संभव हो तो माना कि ए के दो प्रतिलोम क्या हैं, ए के दो प्रतिलोम बी व सी हैं। ए जो एलिमेंट था उसके दो प्रतिलोम मैंने बी और सी मान लिए, तो बताओ अपने को क्या सिद्ध करना है, बी बराबर सी सिद्ध करना है। अच्छा, जी स्टार ग्रुप है, ग्रुप है, इसका मतलब क्लोजर भी इसमें सेटिस्फाई होगा, साहचर्य भी इसमें सेटिस्फाई होगा, तत्समक और प्रतिलोम। तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि जी स्टार एक ग्रुप है अतः प्रतिलोम भी होगा प्रत्येक एलिमेंट का, अतः प्रतिलोम की परिभाषा से बाय डेफिनेशन ऑफ ए इनवर्स, अतः प्रतिलोम की परिभाषा से बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या बोलता है, प्रतिलोम की परिभाषा क्या बोलती है। देखो दोस्तों, आपने एलिमेंट तो माना है ए को, तो एलिमेंट, अच्छा अब ए का एक बार तो प्रतिलोम आप बी मान लो, तो ए का प्रतिलोम बी है, तो बताओ एलिमेंट को प्रतिलोम के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या बनता है, आइडेंटिटी बनता है। अच्छा, तो इसको और क्या लिख सकते हो आप, बी स्टार ए भी लिख सकते हो, समीकरण नंबर एक। आपने ए का प्रतिलोम बी माना है तब तो याद गया, एंड एक बार आप ए का प्रतिलोम किसको मान लो, सी को मान लो, तो उसके लिए आप ये लिख सकते हो कि ए का प्रतिलोम सी है
तो ए स्टार सी बराबर आइडेंटिटी बराबर सी स्टार ए, समीकरण नंबर दो। तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये तो प्रतिलोम की परिभाषा है भाई। जैसे मान लो अल्फा है, अल्फा का प्रतिलोम बीटा है, तो आप क्या लिखोगे, अल्फा स्टार बीटा बराबर आइडेंटिटी, ऐसे ही तो लिखते हैं ना। तो एक ए तो एलिमेंट था, उसके दो प्रतिलोम बी और सी मान लिए, तो ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी और ए स्टार सी बराबर आइडेंटिटी। अब अपने को सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिख देता हूँ, वी हैव टू प्रूव अपने को ये सिद्ध करना है कि बी किसके बराबर है, बी बराबर है सी। अपने को ये सिद्ध करना है कि बी बराबर सी है। देखो नाउ दोस्तों, बी बराबर सी करना है तो बी से लेके चलता हूँ। बी बताओ, बी को बी स्टार ई लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता मैं, लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि भाई ए के दो प्रतिलोम बी और सी माने हैं, तो प्रतिलोम होंगे वो भी तो ग्रुप में ही होंगे, इसका मतलब ए भी ग्रुप में है, बी भी ग्रुप में है, सी भी ग्रुप में है, राइट। अब बी ग्रुप में है तो ग्रुप के अंदर तो आइडेंटिटी नियम फॉलो होता है, तो सामने क्या लिख दूंगा, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी। अब देखो दोस्तों, अब मेरे को कैसे भी करके यहां से सी बनाना है, सी बनाना है तो मैं यहाँ फोकस करता हूँ एक बार। तो ये जो आइडेंटिटी है उसकी जगह ए स्टार सी लिख सकता हूँ या नहीं, आइडेंटिटी की जगह ए स्टार सी लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मैं यहाँ से बी स्टार और आइडेंटिटी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी की जगह लिख रहा हूँ वहाँ से ए स्टार सी। कहाँ से रखा, यहाँ से रखा इक्वेशन नंबर दो से, तो सामने लिख दूंगा बाई यूजिंग इक्वेशन टू से। अब दोस्तों देखो, ए बी सी तीनों ग्रुप के एलिमेंट है और ग्रुप में तो साहचर्य नियम लगता है क्योंकि ग्रुप की दूसरी प्रॉपर्टी है। तो बताओ मैं साहचर्य नियम से ये लिख सकता हूँ या नहीं, बी स्टार ए स्टार सी, और सामने लिख दूंगा बाई एसोसिएटिव लॉ, बाई एसोसिएटिव लॉ। अब देखो दोस्तों, ये बी स्टार ए है तो इक्वेशन नंबर वन से बी स्टार ए की जगह क्या लिखा जा सकता है, आइडेंटिटी लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया, जो नया एलिमेंट बन रहा है इसकी जगह लिख दिया मैंने आइडेंटिटी, इसकी जगह आइडेंटिटी लिख दिया और ये बन गया सी। और ये कहाँ से लिखा है, इक्वेशन नंबर वन से, तो यूजिंग इक्वेशन वन। अब बताओ सी स्टार ए किसके बराबर होता है, सी के बराबर, तो आपने बी बराबर सी सिद्ध कर दिया, इसलिए बी बराबर सी। तो बी बराबर सी सिद्ध कर दिया, इसका मतलब आपने ए एलिमेंट लेके चले थे, ए के दो प्रतिलोम मान के चले थे, दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का जो प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, अर्थात ग्रुप जी में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, यूनिक अद्वितीय होता है। तथा अब देखो दोस्तों, ए था उसका इनवर्स, ए का जो इनवर्स होता है नॉर्मली उसको ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, तो मैं ए इनवर्स बराबर बी बराबर सी भी लिख सकता हूँ क्योंकि बी और सी को प्रतिलोम माना है और ए का प्रतिलोम ए इनवर्स होता है। तो ये, तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि अच्छा ए को स्वेच्छ अवयव माना था, तो जैसे स्वेच्छ अवयव ए का जो प्रतिलोम है वो यूनिक है, इसी प्रकार प्रत्येक एलिमेंट का जो प्रतिलोम होता है वो भी क्या होता है, यूनिक होता है। तो दोस्तों ये भी अपन ने कर लिया, ये भी अपन ने कर लिया, एक बार आप इसको राइट डाउन करो, जो भी प्रॉब्लम है वो बताना। ठीक है दोस्तों, इसको भी मैं हटा देता हूँ।
दोस्तों अब थर्ड करते हैं। थर्ड क्या बोलता है? थर्ड ये बोलता है कि ग्रुप के अंदर जो प्रत्येक एलिमेंट होता है, ग्रुप में जो प्रत्येक एलिमेंट होता है उसके प्रतिलोम का प्रतिलोम, ए के इन्वर्स का भी इन्वर्स होता है, वो वापस एलिमेंट ही बन के आ जाता है। ये अपने को बताना है, किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के लिए उसके प्रतिलोम का भी प्रतिलोम निकालते हो तो वो वापस एलिमेंट के बराबर आ जाता है। तो लेट ए बिलोंग्स टू जी तथा जी एक ग्रुप है, तथा जी एक ग्रुप है, अतः ए अवयव के लिए तो बताओ ग्रुप है जी तो ए अवयव का प्रतिलोम भी होगा, क्योंकि ग्रुप में तो प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम होता है। अतः ए अवयव के लिए एक अवयव ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी इस प्रकार है कि, और जो इनवर्स निकल के आता है वो भी ग्रुप का ही एलिमेंट होता है, इस प्रकार है कि, किस प्रकार है भाई, ए एलिमेंट ग्रुप का है और ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होता है, तो ए एलिमेंट के लिए ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस प्रकार है कि ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, ये तो प्रतिलोम की परिभाषा लिख रहे हैं, बराबर ए इनवर्स स्टार ए, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर वन। तो ये अपन ने क्या लिखा है, ये अपन ने प्रतिलोम की परिभाषा लिखी है। अब देखो, चूंकि ए इनवर्स जैसे जी में है, ए एलिमेंट जी में तो ए इनवर्स जी में, अब बताओ जैसे ए एलिमेंट जी का है वैसे ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट है या नहीं है, है तो, और जी क्या है, ग्रुप है, ग्रुप में तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होता है, तो बताओ ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो भी ग्रुप में होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है, तो ए इनवर्स जी में है तो ए इनवर्स का इनवर्स भी होगा, वो किस में होगा, जी में होगा। क्यों होगा, लिख देता हूँ, बिकॉज जी इज ए ग्रुप। क्यों होगा, क्योंकि जी क्या है, अपना ग्रुप है। अच्छा, अब क्या है कि अब मैं समीकरण एक के अंदर क्या करूं, अगर दोनों तरफ इससे संक्रिया करवा दूं तो अपना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, और संक्रिया करवा सकता हूं, क्यों करवा सकता हूं, क्योंकि ये एलिमेंट भी जी के है और ये एलिमेंट भी किसका है, जी का। तो मैं लिखूंगा कि बाई इक्वेशन वन देखो, इक्वेशन वन क्या है दोस्तों, ए स्टार ए इनवर्स है, ठीक है, आप ये राइट साइड में संक्रिया करवा रहे हो ए इनवर्स के इनवर्स की, बराबर, या तो आप इसको ले लो, या तो आप इतने को ले लो, या आप इतने को ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने इसको ले लिया, तो इसको लिया तो ए स्टार ए इनवर्स का इनवर्स, और मैं ये लिख सकता हूँ कि ए इनवर्स के इनवर्स से कौन सी संक्रिया, राइट ऑपरेशन या फिर वाम संक्रिया, राइट ऑपरेशन बोल दो या फिर क्या बोल दो, वाम संक्रिया। दोस्तों देखो, ये एलिमेंट भी जी का, ये एलिमेंट भी जी का, ये एलिमेंट भी जी का, जी क्या है, ग्रुप है, जी क्या है, ग्रुप है, ग्रुप में साचर्य नियम लगता है, तो साचर्य नियम से मैं ये लिख सकता हूँ, यानी ए स्टार, अब ये ब्रिकेट इन दोनों के ऊपर आ जाएगा, ये तो ए इनवर्स स्टार और इसको ए इनवर्स का इनवर्स, ठीक है, ये छोटा ब्रिकेट लगा दिया यहाँ। अब ये एलिमेंट या आइडेंटिटी, तो बताओ क्या आना चाहिए, एलिमेंट आना चाहिए, तो ये हो गया, और सामने लिख दो बाई एसोसिएटिव लॉ। अब देखो दोस्तों, ए स्टार, अगर मैं इसको एलिमेंट मान लेता हूँ, ए इनवर्स को कोई भी एलिमेंट मान लेता हूँ, जैसे ए इनवर्स को मैंने मान लिया अल्फा, अगर इसको अल्फा माना तो बताओ ये क्या है, अल्फा इनवर्स, अगर इसको अल्फा माना तो ये अल्फा इनवर्स, और अल्फा इनवर्स क्या बनाते हैं, आइडेंटिटी बनाते हैं, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी बराबर ए इनवर्स का इनवर्स, और अपना ये जो निकल के आया वो निकल के आया ए बराबर ए इनवर्स का इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी।
तो दोस्तों इससे ये सिद्ध हुआ है कि ग्रुप के अंदर है, अगर कोई भी एलिमेंट है अगर उसके प्रतिलोम का प्रतिलोम निकालते हैं तो वापस वो एलिमेंट ही निकल के आता है। तो अपनी ये थ्योरम थी, आई होप ये समझ में आ गई होगी। तो आपके पास वीडियो रहेगा, उसको वापस बैक करके देख लेना, अगर कहीं भी समझ में नहीं आई तो अपन फोर्थ वाला प्रूफ देखते हैं अब इसके आगे। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लो आप, अब अपन फोर्थ देखते हैं। दोस्तों जो फोर्थ है वो क्या बोलता है कि आप ए स्टार बी का इन्वर्स करते हो तो बी के ऊपर इन्वर्स पहले आता है और ए के ऊपर इन्वर्स बाद में आता है। इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, व्युत्क्रमण नियम भी बोलते हैं। तो इसका प्रूफ अपने को करना है। तो देखो दोस्तों, तो फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाई, अगर ए और बी जी के एलिमेंट है तो ए इन्वर्स भी जी में होगा एंड बी इन्वर्स भी किस में होगा, जी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि जी तो ग्रुप है और ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का क्या होता है, इन्वर्स होता है। ओके, नाउ देखो दोस्तों, ए और बी आपने जी का एलिमेंट लिया तो बताओ ए स्टार बी होगा वो जी में होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो यहां से मैंने ये बताया है कि ये ए स्टार बी बना, ये जो ए स्टार बी बना वो ग्रुप का क्या बन गया, कोई एलिमेंट बन गया। अब देखो आप ये लिख सकते हो ए स्टार बी एलिमेंट स्टार, मान लो आपने ये लिखा ए स्टार बी का इनवर्स, ये कोई एलिमेंट और ये एलिमेंट का इन्वर्स। तो बताओ क्या आना चाहिए, एलिमेंट और एलिमेंट का इन्वर्स जब भी ऑपरेट होते हैं तो बताओ क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए ना। अच्छा, आइडेंटिटी आएगा बिल्कुल, लेकिन अपने को सिद्ध करना है इसके बराबर ये सिद्ध करना है, ए स्टार बी के इन्वर्स के बराबर क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो मैं कैसे सिद्ध करूँगा इसको, अगर मैं इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ B इनवर्स स्टार A इनवर्स, अगर मैं इसकी जगह ये लिख देता हूँ और इस पूरे को सोल्व करके अगर मैं बराबर में आइडेंटिटी सिद्ध कर देता हूँ तो बताओ फिर दोस्तों ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना, क्योंकि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का इनवर्स ये तो आइडेंटिटी बनाते हैं। और अगर मैंने इसकी जगह ये रख के आइडेंटिटी सिद्ध कर दिया तो फिर ये दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अपन कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, तो मैं क्या लिखता हूँ, चूँकि ए स्टार बी स्टार और यहाँ पे आना तो क्या चाहिए, यहाँ पे ए स्टार बी का इन्वर्स आना चाहिए, लेकिन ए स्टार बी के इन्वर्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। अब ये लिख दिया, अगर मैं इस पूरे को सोल्व करके आइडेंटिटी बता देता हूँ, तो ओबियसली ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे दोनों। तो देखो कैसे करेंगे इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। कौन सा नियम लगाया, इन दोनों को पास में लेके आए हैं, मतलब अपन ने लगाया है वो लगाया है एसोसिएटिव वाला। कौन सा नियम लगाया अपन ने, सहचर्य नियम। यहाँ पे एसोसिएटिव ला। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ से ये बना ए, बी स्टार बी इनवर्स क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। ये बना आइडेंटिटी स्टार ए इनवर्स और ये बना ए स्टार आइडेंटिटी को ए लिख सकता हूँ स्टार ए इनवर्स, और ये किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी। इसका मतलब अतः अपन ने ये प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया, ए स्टार बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, ये सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार मैं ऐसे भी सिद्ध करता हूँ, ऐसे भी सिद्ध कर सकता हूँ। इसी प्रकार इसको आगे ले लो,
बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार और इसको पीछे ले लो तो भी क्या आएगा, ये आइडेंटिटी आएगा, कोई इफेक्ट नहीं है। तो इससे और इससे आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, आपने इसको और इसको ऑपरेट करके आइडेंटिटी बना दिया, जबकि यहाँ आना क्या चाहिए था, ये जो भी एलिमेंट है उसका इन्वर्स आना चाहिए था आपने। तो इसको अगर इक्वेशन नंबर वन और इसको इक्वेशन नंबर दो देते तो मैं ये बोल सकता हूँ बाई इक्वेशन वन एंड टू क्या बोल सकते हैं, अभी तो एलिमेंट तो ये लिया है आपने कौन सा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, जबकि आना क्या चाहिए था या एक्चुअल में यह आना चाहिए था ए स्टार बी का इनवर्स। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वेशन वन और टू से ये बोल सकता हूँ। तो दोस्तों इसको व्युत्क्रमण नियम बोला जाता है, अगर इनवर्स है तो पहले पीछे वाले एलिमेंट के ऊपर इनवर्स लगेगा, उसके बाद में आगे वाले एलिमेंट के ऊपर इनवर्स लगेगा। अब यहाँ से एक नोट पॉइंट लिख लेता हूँ मैं, नोट पॉइंट लगा के लिखो, जनरल रिवर्सल लॉ। जनरल रिवर्सल लॉ का मतलब है सामान्य व्युत्क्रमण नियम, हिंदी में लिखे तो सामान्य व्युत्क्रमण नियम, क्या बोल सकते हैं, सामान्य व्युत्क्रमण नियम। ये तो अपना जो ये अपन ने प्रूव किया है वो दो एलिमेंटों के लिए था, ग्रुप के दो एलिमेंटों के लिए, लेकिन अब जरूरी थोड़ा ना ग्रुप में दो एलिमेंट ही हो, ग्रुप में तो कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो मान लेते हैं लेट ए वन ए टू डॉट 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 ए एन, ये ग्रुप में एलिमेंट है ए वन ए टू ए एन, तो मैं ये लिख सकता हूँ ए वन स्टार ए टू स्टार ए थ्री स्टार डॉट डॉट ए एन माइनस वन स्टार ए एन। अगर इन सब का इन्वर्स निकाल रहा हूँ मेरे को, तो देखो आपको तो बस ये याद रखना है पीछे से चालू होता है, तो ये बनेगा ए एन का इन्वर्स स्टार ए एन माइनस वन का इन्वर्स स्टार डॉट डॉट ए टू इन्वर्स स्टार ए वन इन्वर्स। तो दोस्तों जनरल व्युत्क्रमण लॉ ये है, तो अपन ने पूरी थ्योरम को अच्छे से समझा है। तो ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टी थी अपनी, जो अपने को लर्न भी करनी है याद भी करनी है, एक बार आप इसको राइट डाउन करो। अब दोस्तों हम एक थ्योरम नंबर नेक्स्ट जो थ्योरम है वो देखते हैं। अठारह हूँ मैं इसको, कैंसिलेशन लॉ, इसका नाम है कैंसिलेशन लॉ। हिंदी में बोले तो इसको बोला जाता है निरसन नियम, निरसन नियम, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में निरसन नियम, और अपनी लैंग्वेज में बोले तो काटने का नियम। क्या है काटने का नियम, एलिमेंटों को काट दिया जाता है, लेफ्ट साइड से काट दिया जाता है, राइट साइड से काट दिया जाता है। तो कैसे काटा जाता है, तो ये अपनी एक थ्योरम बन के आई है, थ्योरम नंबर दो। थ्योरम नंबर दो ये बोलेगी कि इफ यदि जी स्टार बी ए ग्रुप, अगर जी स्टार एक ग्रुप है एंड मान लो ए एक्स और वाई ये एलिमेंट जी के, मान लो जी स्टार एक ग्रुप है और ए एक्स और वाई ये तीन एलिमेंट है ग्रुप जी के, देन उसमें एक तो है लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ,
लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या बोला जाता है कि मान लो ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई है, तो लेफ्ट साइड से एलिमेंट को ए से ए को कैंसिल कर दिया जाता है और बनता है एक्स बराबर वाई। एक इसमें अपने को पढ़ना है राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ क्या बोलता है, राइट साइड से एलिमेंट को कट कर दिया जाता है। जैसे मान लो एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार ए है, तो राइट साइड से काटेंगे तो एक्स बराबर वाई। अब दोस्तों इसमें यह है कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को बोला जाता है वाम निरसन नियम। क्या बोला जाता है, वाम निरसन नियम। लेफ्ट को बोला जाता है वाम निरसन नियम और राइट कैंसिलेशन लॉ को बोला जाता है दक्षिण निरसन नियम। ये अपना एक क्वेश्चन है कैंसिलेशन लॉ, आपको ये ध्यान भी रखना है। जनरल सा क्वेश्चन है कि ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई हो तो ए कट जाता है एक्स बराबर वाई। अब एक कट जाता है तो कट कहाँ से रहा है, लेफ्ट साइड से कट रहा है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और राइट साइड से कट रहा है तो राइट कैंसिलेशन लॉ। तो इसका प्रूफ तो बहुत आसान है। प्रूफ क्या है, इसका स्टेटमेंट ही ध्यान रखना है, प्रूफ तो आएगा भी नहीं इसका। तो प्रूफ में अपन ये लिख सकते हैं, दिया गया है कि या फिर गिवन दैट जी स्टार बी ए ग्रुप, दिया गया है कि जी स्टार एक ग्रुप है और ए एलिमेंट आपने मान लिया जी का। अब ए एलिमेंट दोस्तों आपने जी का माना है तो जी ग्रुप है, और ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स होता है। इसका मतलब ए का जो इन्वर्स होगा, ए इन्वर्स, वो ग्रुप में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट, हिंदी में भी दिक्कत नहीं आएगी, तब एक एलिमेंट ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी इस प्रकार से अस्तित्व में है कि क्या ए स्टार ए इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी बराबर ए इन्वर्स स्टार ए। मैथमेटिक्स में इंग्लिश और हिंदी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है दोस्तों। ये कहने का मतलब क्या है कि जो जी ग्रुप है उसमें ए एलिमेंट आपने ग्रुप का माना है, तो ग्रुप में तो प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स होता है, तो ए का इन्वर्स ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी इस प्रकार है कि ये। नाउ अब फर्स्ट वाला देखते हैं अपन दोस्तों, लेफ्ट कैंसिलेशन ला देखते हैं। तो ये तो लेके चलेंगे और ये सिद्ध करना है, ये अपने को लेके चलाना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं लेफ्ट कैंसिलेशन ला। लेफ्ट कैंसिलेशन ला में ये तो लेके चलना है ए स्टार एक्स बराबर क्या है ए स्टार वाई। अब क्या करेंगे, ए इन्वर्स से संक्रिया कराना है, ए इन्वर्स से क्या कराना है, संक्रिया। अब लेफ्ट साइड से काटना है तो बताओ कौन सा ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको, लेफ्ट साइड में ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से आपने ए इन्वर्स से संक्रिया करवा दी और ये क्या है ए स्टार एक्स बराबर ए इन्वर्स से संक्रिया करवाई है किसकी, ए स्टार वाई। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स से वाम संक्रिया, क्या वाम संक्रिया लेफ्ट ऑपरेशन करवाने पर। ओके दोस्तों, अब दोस्तों देखो एक्स एलिमेंट भी ग्रुप का है, ए एलिमेंट भी ग्रुप का है, ए एलिमेंट ए इन्वर्स भी ग्रुप का है और ग्रुप है उसमें साहचर्य नियम लगता है, साहचर्य लगता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इन्वर्स स्टार ए स्टार एक्स बराबर इधर से क्या बना ए इन्वर्स स्टार ए स्टार वाई। तो दोस्तों ये जो बना, ये बना आइडेंटिटी, क्योंकि एलिमेंट का इन्वर्स और एलिमेंट तो मिलकर आइडेंटिटी बनाते हैं, तो आइडेंटिटी स्टार एक्स बराबर आइडेंटिटी स्टार वाई। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ एक्स बराबर वाई, यही अपने को सिद्ध करना था। अब राइट कैंसिलेशन ला तो बहुत ही जी है, कैसे ही जी है दोस्तों, क्योंकि राइट कैंसिलेशन ला में आप ए इन्वर्स से राइट साइड में ऑपरेशन करा लोगे तो ये अपना बन जाएगा। ओके दोस्तों, एक बार कॉपी करो इसको।
अब इसको हटा देता हूँ मैं, एक बार राइट कैंसिलेशन ला भी कर देता हूँ इसका। तो सेकंड पार्ट जो है वो है राइट कैंसिलेशन लो। राइट कैंसिलेशन लो में क्या है कि अपने को ये लेके चलना है एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार ए। अब ए इनवर्स से किधर संक्रिया करानी है, अभी लेफ्ट कैंसिलेशन ला में लेफ्ट साइड में संक्रिया करवाए थे, ऑपरेशन करवाए थे, और राइट कैंसिलेशन ला में राइट साइड संक्रिया करवाएंगे। तो एक्स स्टार ए इनवर्स बराबर वाई स्टार ए इनवर्स। यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ए इनवर्स से राइट साइड ऑपरेशन करवाने पर, संक्रिया करवाने पर। अब दोस्तों एक्स एलिमेंट ग्रुप का है, ए एलिमेंट ग्रुप का है, ए इनवर्स एलिमेंट ग्रुप का है, तो ग्रुप के तीन एलिमेंटों के बीच में तो एसोसिएटिव नियम लग सकता है। तो यहाँ से एक्स स्टार ए इनवर्स बराबर वाई स्टार ए इनवर्स, और ए स्टार ए इनवर्स किसका निर्माण करता है, आइडेंटिटी का। तो ये प्रतिलोम की परिभाषा से ये बन गया ये, और दोनों तरफ आइडेंटिटी की परिभाषा लिख देंगे तो x बराबर y। बाय आइडेंटिटी डेफिनेशन इससे ये किससे बना है, इसकी जगह e बाय इनवर्स डेफिनेशन। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये सिंपल सी थ्योरम थी, बस इसका रिजल्ट अपने को याद रखना है, तो आप करो इसको। अब दोस्तों हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अपन यहाँ कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो दोस्तों अपनी एक थ्योरम है कि ए और बी किसी ग्रुप जी स्टार के दो एलिमेंट हैं। थ्योरम नंबर 3 से है, ए व बी इफ, यदि ए व बी किसी ग्रुप, यदि ए व बी किसी ग्रुप जी स्टार के दो एलिमेंट हैं, तब, अगर ए और बी किसी ग्रुप जी स्टार के दो एलिमेंट हैं, तब समीकरण दो समीकरण दिए हैं, ए स्टार एक्स बराबर बी व वाई स्टार ए बराबर बी के जी में क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। दोस्तों ये थ्योरम नंबर 4 में भी काम में आएगा। थ्योरम नंबर 3 है ये वाला जो पार्ट है, वो थ्योरम नंबर 4 में भी काम में आएगा। तो इसको ध्यान रखना कि अद्वितीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, हल होते हैं। अपने को दोस्तों क्या दिया है कि एक ग्रुप है जी स्टार, उसके दो एलिमेंट ए और बी दिए हैं। तो ये एक समीकरण है, ए स्टार एक्स बराबर बी और वाई स्टार ए बराबर बी, इसके जी में पहली बात तो सॉल्यूशन होते हैं, और सॉल्यूशन होते हैं तो वो ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। अब दोस्तों सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो ये है x प्लस फाइव बराबर एट। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, वो इसका सॉल्यूशन होता है। अगर मैं x की जगह 3 रख देता हूँ तो वो इसको सेटिस्फाई करता है, तो वो इसका सॉल्यूशन कहलाता है। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही अपने ये है, याद रखना सॉल्यूशन हमेशा अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो दोस्तों मैं प्रूफ पार्ट पे चलता हूँ। तो मैं लिखूँगा गिवन दैट जी स्टार बी ए ग्रुप, अपने को दिया है कि जी स्टार एक ग्रुप है, द
तथा ए और बी दो एलिमेंट किसके हैं, जी के। अब इस समीकरण का क्या बताना है, यूनिक सॉल्यूशन बताना है, ए स्टार एक्स बराबर बी का यूनिक सॉल्यूशन बताना है। तो देन अब दोस्तों थोड़ा यहाँ ध्यान देना है आपको, ए स्टार, अब मैं एक्स की जगह क्या रखूँ कि ये बी आ जाए, तो मैं अगर एक्स की जगह मैं ये रख देता हूँ क्या ए इनवर्स स्टार बी, एक्स की जगह मैं ये रख देता हूँ तो बताओ बी आएगा या नहीं आएगा, आएगा क्योंकि सासरे नियम से जो ब्रिकेट है इन दोनों के ऊपर चला जाएगा, फिर आइडेंटिटी बन जाएगा, तो आइडेंटिटी बी बराबर बी हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ ऐसे देख लो कि दोनों तरफ ए इनवर्स ये ऑपरेट कर लो, तो ये ए इनवर्स ए के साथ आइडेंटिटी बना देगा, तो यहाँ आ जाएगा ए इनवर्स और आ जाएगा, यही बात है ना, तो वो क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। अरे भाई जो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वही तो सोल्यूशन होगा ना, तो मैंने एक्स की जगह ये रख दिया। अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए स्टार इनवर्स स्टार बी, क्यों लिखा मैंने बताऊँ दोस्तों, ये तो मैं लिखूँगा बाई एसोसिएटिव लॉ। अब इसको आइडेंटिटी स्टार बी, तो इससे ये क्यों बना बाई इनवर्स लॉ सामने लिखा करो ये चीज़, और आइडेंटिटी को एलिमेंट से करोगे तो एलिमेंट और बाई आइडेंटिटी लॉ, तो दोस्तों ये बी आ गया। आपने x एलिमेंट की जगह ये रखने से भी आया, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू निकल के आई, ये x की वैल्यू निकल के आई, अर्थात मैं ये लिख सकता हूँ अर्थात x बराबर x की जगह ये रखने से सॉल्यूशन निकल के आया, तो ये वैल्यू किसकी आई है x की, अर्थात x बराबर a इनवर्स स्टार b समीकरण, कौन सा समीकरण, a स्टार x बराबर b का सॉल्यूशन है। ये तो मैंने सॉल्यूशन बताया है, अब ये जो सॉल्यूशन है उसको दोस्तों मेरे को ये और बताना है, क्या मेरे को ये और बताना है कि ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कैसे सिद्ध करना है, अपन क्या करेंगे कोई भी दो सॉल्यूशन मान लेंगे, अगर उन दोनों सॉल्यूशन को मैं बराबर सिद्ध कर देता हूँ तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, तो ये सॉल्यूशन है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि यह सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, यह सॉल्यूशन है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि यह सॉल्यूशन यूनिक होगा, तो यूनिक के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वही तरीका, आप दो सॉल्यूशन मान लो, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट एक्स वन व एक्स टू समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी के क्या है, दो सॉल्यूशन है, इस समीकरण के दो सॉल्यूशन है। अब इन दोनों को अगर मैं बराबर सिद्ध कर दूंगा तो यूनिक हो जाएगा, ये दो सॉल्यूशन है। देन अब बताओ सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्टार एक्स वन बराबर बी, एंड दूसरा क्या लिख सकता हूँ ए स्टार एक्स टू बराबर बी, ये मैंने बता लिया। अब देखो दोस्तों चूंकि ए एलिमेंट है वो ग्रुप का है, और जो सॉल्यूशन एक्स की वैल्यू, एक्स भी ग्रुप का ही है, और एक्स की वैल्यू जो एक्स वन आपने यहाँ पुट की वो भी ग्रुप का है, सॉल्यूशन जो निकल के आएगा वो भी ग्रुप का ही निकल के आएगा, तो और जी ग्रुप है, तो समवर्ता नियम से ए स्टार एक्स वन भी मैं क्या लिख सकता हूँ, जी का। और दोस्तों यहाँ से एक बार इसके लिए मैं बात करना चाहूँ तो ए एलिमेंट जी का है, एक्स टू एलिमेंट भी जी का है, तो मैं ये लिखूँ ए स्टार एक्स टू भी किस में आ गया, जी में आ गया। अब दोस्तों ये भी जी का एलिमेंट, ये भी जी का एलिमेंट, तो मैं इन दोनों से देखना चाहूँ, ये भी बी के बराबर है, ये भी बी के बराबर है, तो दोनों आपस में ही बराबर होंगे, तो ए स्टार एक्स वन बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्टार
एक्स टू, ये लिख दिया। अब दोस्तों मैं यहाँ से ए को काट सकता हूँ, क्यों काट सकता हूँ, अभी अपन ने लेफ्ट कैंसिलेशन ला लिखा है, तो मैं यहाँ से लिखूँगा एक्स वन बराबर एक्स टू, लिखूँगा बाई लेफ्ट कैंसिलेशन बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला एक्स वन बराबर एक्स टू। तो आपने सॉल्यूशन भी बता दिया और सॉल्यूशन को यूनिक भी बता दिया, अतः मैं ये लिख सकता हूँ समीकरण, समीकरण कौन सा, ए स्टार एक्स बराबर बी का यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या निकल के आया बताओ, यूनिक सॉल्यूशन निकल के आया एक्स बराबर ए इनवर्स स्टार बी, यूनिक सॉल्यूशन। ये है। अब सेम ऐसा प्रोसीजर दोस्तों इसके लिए भी किया जा सकता है। यहाँ से मैं y की वैल्यू क्या रखूँ कि ये सेटिस्फाई हो जाए, तो y की वैल्यू मेरे को रखनी पड़ेगी, y की जो वैल्यू रखनी पड़ेगी वो रखनी पड़ेगी दोस्तों b स्टार a इनवर्स। अगर आप b स्टार a इनवर्स यहाँ रखोगे तो a इनवर्स और a तो आइडेंटिटी बना देगा और ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों एक को करने के बाद में इसी प्रकार या सिमिलर, इसी प्रकार समीकरण y स्टार a बराबर b का एक जैसे होते हैं उनमें सिमिलर लगा के लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। बताओ यूनिक सॉल्यूशन क्या मिला, y बराबर b स्टार a इनवर्स है, b स्टार a इनवर्स यहाँ रखोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपनी थ्योरम नंबर थर्ड थी, इसको समझना, और ये पूरा का पूरा जो प्रूफ है वो थ्योरम नंबर चार में काम में आएगा। तो वहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि ये जो प्रूफ है वो पीछे वाली थ्योरम से देख के लिखना है, तो ये दो थ्योरमों में काम में आ रहा है तो इम्पोर्टेंट तो है ही। ओके दोस्तों, तो एक बार इसको राइट डाउन करो, उसके बाद में आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। दोस्तों हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अब जो थ्योरम्स बची हुई हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट ही है, क्या है दोस्तों, अपने को दिया गया है जी डॉट एक ग्रुप है, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो जी डॉट बी ए ग्रुप एंड फॉर ईच एलिमेंट और जी के प्रत्येक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी एंड फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी के लिए एंड फॉर एवरी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, ये जो सेटिस्फाई कर रहा है वो ए स्क्वायर बराबर ई को सेटिस्फाई कर रहा है जी का प्रत्येक एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो अपने को सिद्ध करना है कि जी क्या है, ये कि अबेलियन ग्रुप सिद्ध करना है। देन प्रूव दैट जी बी एन ये क्वेश्चन है कि जी डॉट अपने को ग्रुप दिया है जी, अब देखो संक्रिया इसमें डॉट है ये ध्यान रखना है, और ग्रुप का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो एलिमेंट कैसा है, उस प्रत्येक एलिमेंट का स्क्वायर करने से अपने को आइडेंटिटी मिल रहा है, यही हुई ना बात, उसके प्रत्येक एलिमेंट का स्क्वायर करने से आइडेंटिटी मिल रहा है, तो अपने को जी को अबेलियन सिद्ध करना है। अबेलियन का मतलब है कि दो एलिमेंट लूँगा मैं ए और बी, तो अपने को ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए सिद्ध करना है, क्या ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, अगर अपन ये सिद्ध कर देंगे तो अपना सीधा सा हो जाएगा ये अबेलियन। तो दोस्तों इसके प्रूफ पार्ट भी मैं चलता हूँ,
तो अपने को दिया गया है कि जी डॉट एक दिया गया है कि जी डॉट एक ग्रुप है तथा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए बताओ क्या दिया है, ए स्क्वायर बराबर ई दिया है। दोस्तों ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्क्वायर बराबर ई दिया है। अब दोस्तों ए स्क्वायर को अपन ए डॉट ए लिख सकते हैं या नहीं, सामने लिख देंगे क्योंकि ए डॉट ए बराबर क्या है ए स्क्वायर, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब दोस्तों अब मैं क्या करूं कि ए इनवर्स से संक्रिया करवाना है मेरे को, किससे संक्रिया कराना है ए इनवर्स से। क्यों करा रहा हूं मैं, पहली बात तो है कि ये चेक करो कि ए इनवर्स ग्रुप में होगा या नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप में जो एलिमेंट होता है उसी से संक्रिया करवा सकते हैं। ए इनवर्स ग्रुप में होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए एलिमेंट ग्रुप का है, ए एलिमेंट क्या है ग्रुप का है, और जी ग्रुप है तो ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होता है। इसका मतलब ए एलिमेंट अगर जी में है तो ए इनवर्स भी किस में होगा, जी में होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए इनवर्स ए डॉट ए बराबर ए इनवर्स डॉट ई। आप राइट साइड में करवा सकते हैं, लिख देंगे सामने ए इनवर्स से क्या लेफ्ट ऑपरेशन, लेफ्ट ए इनवर्स से लेफ्ट ऑपरेशन। तो दोस्तों जी ग्रुप है तो एसोसिएटिव नियम लगेगा, तो यहाँ से ए इनवर्स डॉट ए बराबर ये ए इनवर्स लिख देंगे बाई एसोसिएटिव लॉ। तो ये बना आइडेंटिटी डॉट ए बराबर ए इनवर्स, और यहाँ से बना ए बराबर ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो अपने को ये दिया था ए स्क्वायर बराबर ई दिया था और अपन ने ए बराबर ए इनवर्स हो गया। कहने का मतलब अपने को ये दिया था कि ए स्क्वायर बराबर ई है, तो मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ए स्क्वायर बराबर ई तभी होता है जब ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है सेल्फ इनवर्स होता है। इसका मतलब ए का इनवर्स ए है वो अपने इनवर्स के बराबर है, ए जो खुद है एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स बराबर है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो ए एलिमेंट है वो कैसा है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। क्या है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। तो इससे तो ये सिद्ध हो गया, लेकिन अभी तक अपना सिद्ध नहीं हुआ है। अपने को तो क्या सिद्ध करना था, अपने को ये सिद्ध करना था कि ग्रुप कैसा है, अबेलियन ग्रुप है। अब आगे मान लेते हैं कि लेट, थोड़ा ऊपर से लेट ए और बी दो एलिमेंट है जी के, ए और बी दो एलिमेंट जी के हैं, तो बताओ जी का तो प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। तो मैं ये बोल दूंगा कि ए बराबर ए इनवर्स एंड बी बराबर क्या होगा बताओ, बी इनवर्स। क्यों, क्योंकि ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स, यहाँ से बता दिया। अब देखो चूंकि ए और बी ग्रुप के एलिमेंट है, तो बताओ ए डॉट बी भी ग्रुप का एलिमेंट होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि जी तो ग्रुप है और ग्रुप में कौन सी लगती है, तो ब्रैकेट में लिख दूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्ता नियम से ये हो गया। अच्छा ए और बी ग्रुप के दो एलिमेंट लेके चले और आपने ए डॉट बी ग्रुप का एलिमेंट बता दिया। अब ए डॉट बी भी तो एक एलिमेंट बन गया ना, जैसे ए डॉट बी को आप अल्फा मान लो, क्या मान लो अल्फा मान लो। तो अब देखो ए डॉट बी को आपने अल्फा मान लो, तो ए डॉट बी, अच्छा ए डॉट बी भी किसके बराबर होगा, ए डॉट बी के इनवर्स के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ग्रुप का तो प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, और यहाँ से ए डॉट बी को आपने एक एलिमेंट मान लिया, जैसे ए डॉट बी को अल्फा मान लो, तो बताओ ये अल्फा बराबर अल्फा इनवर्स होगा या नहीं होगा, होगा, ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए डॉट बी बराबर, अभी व्युत्क्रमण नियम अभी अपन ने पढ़ा था उसकी सहायता से इसको खोलेंगे, तो बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, पीछे वाले के लिए इनवर्स पहले आ गया, तो ए डॉट बी। अब यहाँ से बी इनवर्स की जगह तो बी लिख दूंगा और ए इनवर्स की जगह ए, तो बी डॉट ए। तो दोस्तों ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए अपन ने बोला है, और साथ में ये लिख देंगे प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये ऐसा होगा बी बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ से क्या बोला है? जी बी एन अबेलियन ग्रुप, जी क्या है। तो दोस्तों ये अपना एग्जाम्पल नंबर 1 है और सिंपल है बिल्कुल। अब एग्जाम्पल नंबर 2 दोस्तों आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 इसमें ये बोल रखा है कि भाई ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम भी वही है,
कहने का मतलब क्या है, सेल्फ इनवर्स है तो अपने को ये पूछा है कि ग्रुप अबेलियन होगा। एग्जाम्पल नंबर दो है, एग्जाम्पल नंबर दो में क्या पूछा है कि एग्जाम्पल नंबर दो में, इसमें तो देखो ए स्क्वायर बराबर ई दिया था और एग्जाम्पल नंबर दो में सीधा ये बोल दिया और आपको ग्रुप अबेलियन पूछा है। तो एग्जाम्पल नंबर दो जब भी आप करोगे ना दोस्तों, तो देखो एग्जाम्पल नंबर दो में यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो आपको उठा देना है एग्जाम्पल नंबर दो में, और डायरेक्ट अपन यहाँ क्या लिख देंगे, डायरेक्ट अपन ये लिख देंगे, पहले तो ये लिख देंगे गिवन दैट, ये मान लेंगे कि लेट ए एलिमेंट ग्रुप का है, देन बाय क्वेश्चन से ए बराबर ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स ही है। तो अभी आपको ये डायरेक्ट दे दिया, इसके बाद में ये पूरा का पूरा मैटर ऐसे कैसे चिपका देना है, बस हो गया एग्जाम्पल। उसमें तो ए स्क्वायर बराबर ई से निकाला था और अब की बार एग्जाम्पल नंबर दो में ये दे दिया, उसके बाद में अपना ये सेम प्रूफ। तो दो एग्जाम्पल अपन ने इस लेक्चर में देखे हैं दोस्तों, और तीन थ्योरम देखी हैं, इनको करना नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।